यार मैच हुआ है आखिरकार, कप का कोई मैच हुआ मैच आखिरकार, फाइनली जिस मैच की हम सबको तलाश थी वो आ ही गया, आ गया और चला भी। बात बताइए एक बार फिर नवाज, एक बार फिर नवाज ओवर ही उनके बचते आखिर सबके घर नहीं तो नवाज ने ये जो दो बॉल डाले, बाय द वे इतना ड्रामेटिक ओवर हुआ है, मतलब लास्ट विकेट कितनी 10-12 रन बना गई है, 18 मेरे ख्याल लास्ट, मतलब जिस ओवर लास्ट ओवर क्या बंदे 3 ओवर थे 5 रन बनाने थे, और शमजी जिनको मतलब बॉल एक ही बॉल चाहिए होता आउट होने के लिए, अपने पैरों में बॉल फेंका और वो भी ऑन साइड लेग साइड आराम से सिंगल ले लिया, और फिर केशव महाराज वो तो और घटिया बॉल डाला, और उसके बाद तो नवाज ने वहां फेंका है, उन्होंने सिर्फ ये किया है और आ गया चौका, और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को चौके ने चौक से बचा दिया उन्हें आज, वैसे बाय द वे जो साउथ अफ्रीका, व्हाट अ गेम यार, व्हाट अ गेम, तो जैसे एक विकेट से जीता है साउथ अफ्रीका। Exactly. राहुल भाई वो तो सही हो गया जो हम बार बार सुनते और कहते आएंगे महाराज की जय हो, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज आज बादशाह हमने ले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो भाई, महाराज आज बादशाह पे काफी डिसअपॉइंटेड है यार, क्यों इंडियन साउथ अफ्रीकंस क्या करती है आपकी टीम, अफ्रीकंस जो है वो दोनों ऐसे मायूस बैठे हैं, जीत गए जीत गए सर, सबसे बड़ा ड्रामा हुआ हारिस राउफ के ओवर में, वो अंपायर्स कॉल वाला वो था सबसे बड़ा ड्रामा, मतलब रेसी फैंडरसन उनका डिसमिसल एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आईसीसी ने क्लैरिफाई कर दिया, मैं कह रहा हूं कि बट वो शायद अंपायर को आउट नहीं देना था ऑन फील्ड, शमसी वाला शायद ऑन फील्ड अंपायर आउट दे सकता है, उसकी वजह थी शमसी पीछे खेल रहे थे, नहीं नहीं वो तो दे सकता था, नहीं भी दे सकता था, मतलब ज्यादा आप उसमें अंपायर उन्होंने नहीं दिया, देता वो उन्होंने नहीं दिया, बट पहली नजर में तो यही लग रहा था कि बाहर निकल जाएगा, जब बाबर ने जैसे ही इन्होंने डाला ना केशव महाराज को बॉल, मोहम्मद नवाज ने बाबर सीधे केश उनके पास देखा, उनकी रिएक्शन पर वो उनके मैच, उन्होंने और राहुल भाई नो फिंगर पॉइंटिंग, ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि इस ड्रेसिंग रूम में कोई भी, मैंने कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करी है, फिंगर पॉइंटिंग मैंने, बट महाराज आज बॉबी बादशाह पे भारी पड़ गया, लेकिन ये भी हो गया कि यार शमशी के लिए भी तालियां, शमशी के लिए तालियां, उस टाइम वो क्या, और केशव महाराज ने आज साउथ अफ्रीका को बचा लिया है, बाय द वे कैसा मैच, माकरम भाई आप तो जब से बैटिंग करने आए थे तब से आप आउट होना चाहते थे, पर आप उस स्टेज पर आउट हुए जहां पर मतलब मैच आपका ऐसा था कि भाई आप जीत चुके हो, आपने उस टाइम पता नहीं कौन सी एक शॉट खेली, क्या किया आपने, समझ ही नहीं आया, सबसे ज्यादा एक्चुअली रिलीव्ड एडन माकरम ही होंगे, मतलब उनका ना बबूमा भी, हम चलो बबूमा तो पहले ही, बट माकरम देखो उनका जो पहला 50 रन थे ना जो